गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं? 12 बजने वाले हैं और काफ़ी धूप है आज, बहुत गर्मी है। तो आज ये व्लॉग में और इस वीडियो में आपसे मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ एक निफा वायरस के बारे में, जो बहुत बुरी तरह फैल रहा है केरला साइड में। तो इट इज़ अ डेडली वायरस, इट कैन किल पर्सन्स। तो जो भी लोग जाना चाहते हैं कि कैसे हैं, कैसे इससे बचें, क्या क्या प्रिकॉशन लेती हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करता हूँ। निफा वायरस जो है वो फैलता है बैट, फ्रूट बैट जो होता है, चमगादड़ होता है बेसिकली, उसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड होता कैसे है कि जो छुआरा होता है ना, छुआरे का पेड़, वहाँ पर ये बेसिकली रहते हैं या अपना घर बनाते हैं, उसको अटैक करते हैं। तो छुआरों का साउथ में एक सैप पिया जाता है, वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ जूस होता है इसी, जिससे छुआरा बेसिकली जो फ्रूट होता है इसका, तो वो उस पर ये बैट अटैक करता है और उसमें जो वायरस है इन्फेक्टेड वो उस जूस या उसमें जो वो पीते हैं डेट पाम सैप कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो उन्होंने कंज्यूम किया अभी कुछ दिन पहले केरला में, वहीं पर ही मिलता है। तो और जगह पर भी छुआरे मिलते हैं, तो बेसिकली वहीं पर ये ओरिजिन हुआ है इंडिया में। तो वो पीने से इसके अंदर वायरस होता है और बंदे को वो इन्फेक्शन हो जाती है निपा वायरस की। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लेजी ड्रीजी चक्कर आते हैं, और अगर उसको आपने इग्नोर कर दिया तो कुछ दिनों में ब्रेन में स्वेलिंग, सिर दर्द, और ये इतना डेडली आपको बुखार हो जाएगा इससे कि आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी डेथ हो चुकी है केरला में कुछ दिन पहले ही। लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, कल परसों की आज भी न्यूज़ आई है, तो चारों तरफ ये न्यूज़ फैली हुई है। तो निफा वायरस से बचें कैसे? फैलता ये उसी से है, छुआरे के जो जूस डेट पाम सैप से, उसको मत पीजिए। नंबर टू, पिग से भी ये फैलता है। तो जो जैसे अगर वहाँ से ऊपर कोई फ्रूट छुआरा गिरा हुआ है और वो छुआरा नीचे किसी एनिमल ने खा लिया, डोमेस्टिक एनिमल्स को जैसे किसी घर में गायें हैं या कुछ है, उन्होंने वो खा लिया, तो ये थ्रू एयर भी फैल रहा है। तो पिग वगैरह ने खा लिया, तो कोई पिग को जैसे कोई खाते हैं, कई को खाते हैं, उनको खाने से हो गया, तो ये ऐसे फैल रहा है। तो इसके मेन कारण वो वायरस है जो कि फैल रहा है बैट की वजह से, फ्रूट बैट की वजह से। तो अवॉइड कीजिए छुआरा खाना, छुआरे का वो रॉ डेड सैप को खाना, और अगर आप उस इलाके में रहते हैं, केरला में अभी ये रिपोर्ट हो गया है कि वहाँ पर है ये, तो वहाँ पर तो काफ़ी प्रिकॉशन, अगर साउथ से मुझे ये लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट ईट डेट सैप, डोंट ड्रिंक डेट सैप। और अगर आपके कोई डोमेस्टिक एनिमल है जो कि वहाँ पर छुआरों के पेड़ों के आसपास चरने गया या कुछ करने गया, तो हो सकता है उसने वो फ्रूट खा लिया हो जिसमें वो इन्फेक्टेड फ्रूट हो। नंबर तीन, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे, क्योंकि बाय एयर, जैसे अगर आपके घर में ये इन्फेक्शन आ गया है तो उस पेशेंट से दूरी में आके रखिए, क्योंकि बाय एयर भी उसके कॉन्टैक्ट में अगर आप रहेंगे, उसके साथ कॉमन ब्रीदिंग मतलब उसके साथ ही रहकर सांस वगैरह लेंगे, तो बाय एयर भी इन्फेक्शन हो रही है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज था एज अ डॉक्टर, मैंने आपको बताया, सो बी विजिलेंट, काफ़ी डेंजरस वायरस है ये। पहले कभी बहुत पहले सिंगापुर मलेशिया वगैरह में भी फैला था, काफ़ी जाने गई थी। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बट बीइंग ह्यूमन बीइंग आई थॉट दिस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे नॉलेज है, जो मैं फटाफट मेरे पास प्लेटफॉर्म पर हूँ तो मैं शेयर कर पाऊँ। सो शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर सो दैट निफा वायरस से आप बच सकें। एक बार फिर से समझ जाता हूँ, निफा वायरस आजकल फैल रहा है केरला की साइड में, ये बेसिकली छुआरों के पेड़ पे जो बैट्स रहते हैं, फ्रूट बैट्स, उनके थ्रू फैल रहा है। तो छुआरे तो बिल्कुल मत खाइए, छुआरों से एक वहाँ पर एक जूस मिलता है जहाँ पे इकट्ठा रहता है, उसको कहते हैं डेट पाम सैप, वो बिल्कुल मत पीजिए, और उसके आसपास किसी एनिमल ने वो फ्रूट खा लिया, इन्फेक्टेड फ्रूट खा लिया है, तो उस एनिमल से बचें, उसका इलाज करवाएं, उससे दूरी बना के रखें, और किसी ईटेबल एनिमल जैसे कई लोग खाते हैं पिग वगैरह, उसको अवॉइड करें। तो ये कुछ प्रिकॉशन हैं, और अगर आपका हो जाता है आपके घर में किसी को, तो उसको थोड़ा सेपरेट रखें बंदे को। और सबसे दुख की बात यह है, इसके अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव हेल्थ सपोर्टिव, जैसे उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, सॉरी अगर उसका लॉस हो गया मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गया तो वो प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज स्लाइन वगैरह दिए, मतलब सपोर्टिव मेडिसिन चलती है। एज सच उसको मारने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, तो इससे अच्छा ये है कि आप उससे बचें, लगी हो तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए, इससे किसी की जान बच सकती है।